हेलो गाइज एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये नीलाकान अडेनियम है। तो इसके अंदर आपके फूल आए थे और ये जल्दी फूल देता नहीं है। जिसके यहाँ भी हमने इस प्लांट को देखा है वो मना ही करता है कि इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ इसके अंदर आपके फूल आए थे और बहुत ही खूबसूरत फूल, इसका मैरून कलर का फूल है। लेकिन थोड़े से इसके अंदर थोड़ा नुक्स है फूल के अंदर कि इसका फूल जो है फट फट जाता है और बंधा हुआ फूल नहीं आता है। एक जगह और जयपुर में एक हमने प्लांट देखा था, उसके अंदर भी आए थे लेकिन उनके यहाँ भी फूल इसका फटा हुआ आया था। लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत ही खूबसूरत फूल लगता है देखने में और ये फ्लावरिंग करता है। इसके मतलब है कि ये नीलाकान का जो प्लांट है वो फ्लावरिंग करता है। अब ये हमारे पास दो प्लांट हैं और काफ़ी हैवी और काफ़ी पुराने प्लांट है। लगभग 4 साल से तो मेरे पास है और काफ़ी पुराना, हम खुद लेके आए थे इसको और ये मुझे लगभग 600-700 रुपये का उसने दिया था नर्सरी में। तो इसके लीव्स देख के हम इसको लाए थे। इसके लीव्स हमें बड़े खूबसूरत लगे थे और इसने डार्क कलर के इसके मैरूनियस लीव्स होते हैं और इसके लीव्स की ही सबसे ज़्यादा खूबसूरती है। कोटेज भी इसका बहुत खूबसूरत होता है, लीव्स बहुत खूबसूरत होते हैं। और दूसरे, इसको जल्दी इसको प्रून नहीं करते हैं क्योंकि इसमें अपने आप ही ये मल्टीप्लाई की ब्रांचें निकलती रहती हैं। और ये देखिए, एक में से एक ब्रांचें अपने आप ही निकलती रहती हैं, अपने आप बुशी होता रहता है। तो बहुत ही सुंदर प्लांट है ये और इसको प्रून करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने इसको प्रून कर दिया था असल में, और प्रून करने के बाद में मैंने इसकी एक ब्रांच ये लगा दी थी। ये देखिए, ये ब्रांच एक इसकी लगा दी थी मैंने और ये ब्रांच इसके अंदर ग्रो कर गई है। लेकिन ये हमने ब्रांच जो लगाई थी वो हमने इसलिए नहीं लगाई थी कि ये ब्रांच चल पड़ेगी। दरअसल एक सेंट का डब्बा रखा हुआ था, इसमें निकाली सेंट भरी हुई थी। ये देखिए, सेंट भरी हुई थी और इसमें सॉइल बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सेंट है इसके अंदर। और सेंट के अंदर मैंने एवं इसको लगा दी और लगाने के बाद में कुछ दिन के बाद ये एकदम से ग्रो करने लगी। अब ग्रो करने लगी है तो अब ये इस साल देखिए इसके अंदर अपने आप से मल्टीप्लाई ब्रांचें निकल रही हैं, काफ़ी ब्रांचें इसमें निकल गई हैं और काफ़ी बुशी हो गया है। ये देखिए, काफ़ी बुशी प्लांट हो गया है। तो ये तो हमारा एक अच्छा खासा एक, ये देखिए अब 600-700 रुपये के ये प्लांट लाए थे और ये मेरा फ्री में तैयार हो गया है। अब ये भी कुछ दिन के बाद इसका जो ये इसका स्टंप है ये थोड़ी जब मोटी हो जाएगी तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट लगेगा। तो आज हम साथियों इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, और क्योंकि ये सेंट के अंदर लगा हुआ है तो सेंट के अंदर इसकी इतनी अच्छी ग्रो नहीं हो पाएगी। पोषक तत्व जो इसमें सेंट में तो होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसने अपने बलबूते पर इतनी अच्छी ग्रो कर ली है। जो भी ऊपर से पानी वानी दिया है उसकी बदौलत ही ये चल रहा है। अब हम इसके लिए एक सॉइल बनाएंगे अच्छी किस्म की और उसमें इसको लगाकर इसको पोर्ट के अंदर दूसरे में शिफ्ट करेंगे। देखते हैं इसके अंदर रूट वगैरह कैसे निकलते हैं। और ये कम से कम एक 1.5 साल पुरानी हो गई है ब्रांच। ये हमने इस साल नहीं लगाई थी बल्कि पिछली साल लगाई थी। सेंट की वजह से इसने ज़्यादा ये प्लांट बढ़ा नहीं, यानी ज़्यादा हैवी प्लांट नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर तो कोई ऐसे न्यूट्रेंट्स है नहीं जिसकी वजह पे ये ब्रांच हमारी अच्छी ग्रो करे। तो इसलिए अब हमने जब ये तैयार हो चुका है और मुझे इसको देख के बड़ा खुशी भी हो रही है कि ये हमारा प्लांट तैयार हो गया और इसकी हमने इतनी लापरवाही करी, तो आज हम इसकी केयर करेंगे और इसके लिए नई मीडिया बनाकर अच्छी खासी इसमें खाद वगैरह दे के और फिर इसको हम रिपोर्ट करेंगे। तो इसकी मीडिया कैसी बनाएंगे साथियों, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले साथियों हम इसको ये सेंट में से इस प्लांट को निकाल लेते हैं और उसके बाद में ही हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये देखिए, सारी सेंट, टोटल सेंट है, ये बिल्कुल सॉइल नहीं है इसके लिए।
ये देखिए कितने अच्छे रूट इसमें चले हैं, इसके बेहतरीन किस्म का ये प्लांट हमारा तैयार हुआ है। जबरदस्त किस्म के रूट चले हैं और ये छोटा सा प्लांट एक तरीके का तैयार हो गया है। और ये जब स्टम्प इतना मोटा हो जाएगा इसका, तो ये कोडेस की शक्ल में बदल जाएगा इसका। ये रूट जब मोटे हो जाएंगे ये कोडेस बन जाते हैं। तो अब हम इसकी मीडिया बना लेते हैं साथियों। ये हमने सॉइल ली है और इसको इस पोट के अंदर हम रिपोर्ट करेंगे। छोटा सा प्लांट है तो छोटा पोट ही हमने इसके लिए लिया है। और ये हमने ली इतनी मीडिया, और मीडिया के अंदर हम ये मिक्सचर डालेंगे, इतनी खाद डालेंगे। ये हमारा बकरी की मैंगनी की खाद है, ये बकरी की मैंगनी की खाद है, बड़ी जबरदस्त किस्म की खाद है ये। अगर ये एक मरतबा डाल दो तो सालों साल काम करती है, बहुत बेहतरीन इसके अंदर एडेनियम ग्रो करता है। हम ज्यादातर अपने एडेनियम में यही खाद इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से हमारे एडेनियम बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। असल में हमारे पास ज्यादा पुराने प्लांट बस दो ही चार हैं और बाकी सब नए प्लांट हैं। इस वजह से हम ज्यादा केयर उनकी करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे ये प्लांट जो हैं वो अच्छी ग्रो करें और अच्छे हेल्दी प्लांट हो जाएं। इस वजह से हम ज्यादातर उसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स देते रहते हैं ताकि हमारे प्लांट जल्दी से जल्दी इनके कोडेस मोटे हों और अच्छे करें। तो ये हमने इतना हमने बकरी की मैंगनी ली है इसके अंदर, और ये ली है एक टीस्पून के करीब बोन मील और एक डेढ़ टीस्पून के करीब मैंने ये नीम खली ली है। तो इन तीन खादों को ही डालेंगे हैं और इसके अलावा हम कोई अभी फर्टिलाइजर फिलहाल नहीं देंगे। ये तीन ही फर्टिलाइजर इसके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। तो हम ये तीन फर्टिलाइजर डालेंगे, उसके बाद में साथियों डालेंगे ये हम ये है ईंट की सुर्खी, ये थोड़ी मात्रा में मिलाएंगे। ये ईंट की सुर्खी है और इसमें छोटे छोटे ईंट के टुकड़े भी हैं। तो ये जो ईंट के टुकड़े हैं छोटे छोटे, ये अपने अंदर पानी होल्ड कर लेते हैं और एडेनियम को आहिस्ता आहिस्ता देते रहते हैं। तो ये सेंट जो है, ये सेंट की जगह हम डालना है ईंट की सुर्खी। ये भी वेल्डन कर देगी मीडिया को एकदम से, बिल्कुल पानी इधर डालेंगे उधर निकल जाएगा। और प्लस इसके अंदर पोटासियम भी होती है क्योंकि ये ईंट की जली हुई भट्टी की मिट्टी है। ईंट का भट्टा जो होता है उसकी जो जली हुई ईंट जल जाती है और उसके अंदर से ये राख छूटती है वो है ये। तो ये एक तरीके की पोटाश का काम करती है, जिसे राख के अंदर जो आपका चूल्हे का राख होता है लकड़ी का राख, उसके अंदर भी पोटासियम की मात्रा अच्छी होती है। तो ये जली हुई भी है प्लस मिट्टी भी है और रेतीली है, इस बेस पे ये बल्डेन भी बना देती है और प्लस पोटासियम का काम करती है। तो ये इतनी मात्रा में मैंने ली है और ये इसके अंदर हम इस तरीके से मिला देंगे। ये जबरदस्त किस्म का मीडिया को वेल्डन बना देगी। और इतनी हम धान की भूसी लेंगे, ये देखिए आप, क्योंकि छोटा प्लांट है तो कम मात्रा में ही चाहिए होती है। तो इतनी धान की भूसी ये इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये हमारी ये मीडिया तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हम ये वाला फर्टिलाइजर ऐड कर देंगे, ये देखिए। अब इसको अच्छी तरीके से मिला लें। जबरदस्त किस्म की मीडिया बनके तैयार हुई है, ये देखिए, भुरभुरी और वेल्ड्रेन और पावरफुल, यानी ताकत भी इसके अंदर इतनी है कि बहुत अच्छा एडेनियम ग्रो करेगा। इससे अच्छी मीडिया एडेनियम के लिए बनी नहीं सकती, ये समझ लिया। वैसे तो उसमें बहुत कुछ लोग मिलाते हैं लेकिन मैन जो है वो ये तीन की चार चीजें हैं। तो इससे आपकी मीडिया भी वेल्ड्रेन रहेगी, बरसात में कितने पानी पड़ता रहे आपका एडेनियम बिल्कुल नहीं पानी होल्ड करेगा और पानी एकदम इधर से पड़ा उधर से निकलता रहेगा आपके यहाँ। पूरी बरसात आप रहने दीजिए इस मीडिया के अंदर, आपका एक भी प्लांट मरेगा नहीं। ये मीडिया ऐसी मीडिया होती है, ईंट की सुर्खी, धान की भूसी, ये इतना वेल्डन बना देती है कि आपका पानी कभी भी एडेनियम होल्ड नहीं करेगा। तो ये हो गया। अब इसके अंदर हम इस पोट के अंदर हम रिपोर्ट करेंगे। तो थोड़ी मीडिया हम ये पहले हम ठिगड़ी रख लेते हैं इसके होल्ड के अंदर और इसको बंद कर देंगे, नहीं तो नीचे से निकलती रहेगी। और थोड़ा सा सेंट ये है ये नीचे डाल देंगे, ये थोड़ा सा डालेंगे बस, ताकि जो थोड़ी बहुत झिरी है वो ये बंद कर लेगी, हमारी मीडिया बाहर नहीं निकलेगी। और इसके अंदर थोड़ी मात्रा में ही मैं इसको डालेंगे, ये देखिए अभी इतनी डाल के, और इस प्लांट को इसके अंदर
ऐड कर देंगे। सेंटर मिला लें अच्छी तरीके से, थोड़ा सा और पड़ेगा, ज़्यादा नीचा हो रहा है। अब सही है। अब इसके रूट जहाँ पर आपको रखने हैं वहाँ पर कर लें और फिर आप अपनी मीडिया इसके अंदर डाल दें। ये प्लांट हमारा छोटा सा प्लांट लग के तैयार हो गया है। अब ये कुछ ही दिन के अंदर ऐसा बेहतरीन हैवी प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। अब साथियों इसके अंदर हम पानी दे देंगे। इस टाइम पे रिपोर्टिंग करते टाइम आप पानी दे सकते हैं क्योंकि पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। इस तरीके से लग गया है साथियों। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ये फंगिसाइड और डाल देंगे ऊपर से और फिर स्प्रे अच्छी तरीके से करेंगे क्योंकि हमने पानी के अंदर मिलाना चाहिए था, लेकिन अब हम इसको ऊपर से डाल देते हैं फंगिसाइड इस तरीके से और फिर स्प्रे कर देंगे तो रूट तक आराम से पहुंच जाएगा। ये इस तरीके से इसमें फंगिसाइड डालने के बाद में आप फिर इसके अंदर पानी डालें। ये देखिए घुल जाएगा सारा और ये चला जाएगा इसके अंदर। तो साथियों मेरा प्लांट लग के तैयार हो गया है। अब हम इस तरीके से इसको कुछ दिन तक शेड के अंदर रखेंगे ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाए और धूप का बिल्कुल इसके ऊपर असर ना हो, ताकि हमारा जो इसकी जो ग्रोथ है वो रुके ना। अगर हम इसको धूप में रख देंगे तो ये बर्न होने लगेगा और रूट जो है वो चलेंगे नहीं सॉइल में। अब इसको दोबारा से इस सॉइल को लेगा, ये दोबारा से जब इस सॉइल को पकड़ेगा तब इसकी ग्रोथ ऊपर को चल पड़ेगी, बहुत तेज भागेगा। बहुत अच्छा ये तरीका होता है कि कुछ दिन जब रिपोर्ट करें आप एडेनियम को तो 4-6 दिन उसको शेड में जरूर रखें तो आपका एडेनियम बिल्कुल अच्छी ग्रोथ करेगा, एकदम से जड़ पकड़ लेगा। और धूप में रख देंगे तो वो शॉर्ट में चला जाएगा और जल्दी धूप नहीं पकड़ेगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।